इसराइल की सलामती हो और आप सबकी सलामती हो। आप दुनिया में जहां भी हैं, खुदावंद आप पर सलामती भेजे। खुदावंद के पातलाम में बहुत वाजिया और हमें ये समझाया गया है, हमें हदायत दी गई कि हम इसराइल पर सलामती भेजें। खुदावंद के पातलाम में लिखा है कि जो कोई इसराइल पर सलामती भेजेगा, मैं उस पर सलामती भेजूं, और जो इसराइल पर लानत करेगा, मैं उस पर लानत करूंगा। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद का वो जिंदा पाकलाम सुनेंगे और समझेंगे, और मेरे साथ आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर खोलिए, आपके पास आपका लैपटॉप है, एंड्रॉइड है, जो भी आपके पास इस जदीद दौर में एक सहूलत खुदा ने आपको मुहैया की है, रूहुल कुद्दस के वसीले से आपको एक सहूलत दी गई है, तो वो जरूर उससे आप फायदा उठाएं, ताकि आप खुदावंद के दाहिने हाथ में बैठे, वो खुद बाखुद बैठा है, तो वो आप भी वहीं पे बैठे। आपकी जो आपका बाप है, जो हमारा हम सबका बाप है, वही इज्जत, वही मर्तबा आपको भी मिले जो मसीहत में दर्ज है। जिस तरह खुदा ने हमसे, इंसानों से सबसे मोहब्बत की है, और उसी मोहब्बत को हम बांटें और इस बात को समझें। आप दुनिया के जिस खित्ते में हैं, आज खास तौर पे मैं दुनिया के उन लोगों को जो अपने बड़ों की, जो अपने माँ बाप की, बाप की और माँ की इज्जत को भूल चुके हैं, उनकी मोहब्बत को, उनके एहसानात को, माँ बाप को एहसानात नहीं करते, वो अपना फर्ज करते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, वो अपने खून की खुद ही उसकी इज्जत करते हैं, उसकी तौकीर करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है, जहां जहां मेरी बात को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, मैं अफ्रीका के अपने उस दोस्त का इंतहाई मशकूर हूं जो मेरी जुबान तो नहीं समझता, लेकिन जो मैं नीचे लिखा होता है, कैप्शन लिखा होता है, उसको समझ के वो समझता है कि मैंने क्या कहा है। उसको वो बरकत ले रहा है, और वो एक डॉक्टर है, खुदा उसको भी बड़ी बरकत है, आपको उससे भी ज्यादा बरकत है। आप जहां हैं, आप साउथ अफ्रीका में हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन तमाम दोस्तों का जो साउथ अफ्रीका में हैं, और इस खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो हमारे साथ हैं। इन वीडियोस को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वहां की लोकल जुबानों में कर रहे हैं। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूं, और उनके लिए दुआ करता हूं कि खुदा उनके कारोबार में, खुदा उनकी मुलाजमतों में, और वो जहां भी काम कर रहे हैं, खुदा के जलाल के लिए और हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और वो इस मैसेज को, वो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है वो लोगों तक पहुंचाने की, वो और इसकी खुदावंद उनको बरकत दे। मैं अमेरिका में बैठे हुए इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो इन मेरी वीडियोस का तर्जमा कर रहे हैं। मैक्सिको में जो स्पेनिश में काम कर रहे हैं मेरी वीडियोस पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज इस दुनियावी लिहाज से जो एक फादर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और एक साल के बाद फादर का डे तो हर डे होना चाहिए था, लेकिन चलिए इस मसरूफ दुनिया में, इस तेजी की दुनिया में एक दिन ही अगर फादर के लिए रख लिया गया तो इसके लिए भी हम गनीमत समझते हैं। बाप को तो हर रोज अपने बच्चों से प्यार होता है, उनसे तवक्कुआत होती हैं, वो उनसे प्यार करता है, लेकिन बच्चे अगर साल में भी एक दिन अपने पेरेंट्स को, अपने बाप को, अपनी माँ को उनके नाम से एक दिन मंसूब कर दें, तो ये एक और भी, चलिए बहुत से लोगों को, करोड़ दो करोड़ लोगों को, 1 अरब 7 अरब में से 1 अरब लोग, 2 अरब लोग जो माँ बाप की इज्जत से, तौकीर से और उनकी शान से वाकिफ हैं, उनके लिए एक अच्छा दिन है कि वो एक फिर
अपने बाप को मिलने आते हैं, जो साल बाद नहीं आ सकते, दोस्त जो एक कुछ नहीं आ सकते, अगर 5 साल बाद भी आ गए अपने माँ बाप से मिलने, उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो ये उनके लिए एक एक दिन, एक साल बाद अगर वो आए हैं तो फिर भी मैं समझता हूँ ये उनके लिए एक खुशबख्ती और उनकी अच्छाई के लिए एक अच्छा दिन है। तो हम देखेंगे कलाम मुकद्दस, खुदावन यहोवा पाक खुदा किस तरह एक वाहद ही एक ऐसी चीज है जो खुदा ने खुद, वो लॉ पत्थर की एक लॉ थी जिसको खुदा ने अपने हाथों से मूसा को दिया, उस पर क्या लिखा था हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का जो आपका वक्त है 10-15 मिनट 20 मिनट, खुदा रहा आज इस बात को समझिए कि खुद खुदा एक हमें आसमानी किताबों में, आसमानी मज़ाही में एक ही चीज हमें मिलती है, वो क्या है, जो खुदा ने खुद मूसा को अपने हाथों से जो उसको लॉ बख्शी। बाइबल मुकद्दस, तौरात, शरीयत की किताब, खरूज 20 बाब, और हम उसकी पहली आयत से ही खुदावन्द का पाक कलाम सुनेंगे और उस पर आज हम ये अहद करेंगे कि हम जो 10 कमांडेड है, 10 अहकाम है, वो कितने अहम है हमारी जिंदगी में। अगर हम यहूदी हैं, अगर हम मसीही हैं, तो हमें किस तरह उन पे अमल करना है। खरूज 20 बाब और उसकी पहली आयत हमें क्या इस बारे में कहती है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई। खरूज 20 बाब उसकी पहली आयत, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्म को मानते हैं रहम करता हूं। तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तू अपने खुदावन खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावन उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक रखना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हां तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया।
इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। और इसमें इन अहकामात में अब जो हासले जिंदगी है और हासले गौर है और हसूले इलम का आगाज है, उस पर हम गौर करेंगे कि वो हमें क्या कह रहा है। तू अपने बाप और मां की इज्जत करना, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। मेरे अजीजों, आपने ये खुदावंद के 10 अहकाम सुने और आपने बार बार सुने होंगे चर्चेज में, फिल्मों में, प्रीचरों से, एवेंजलिस्टों से जो खुदावंद का पाक कलाम लेकर चलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में, यूथ की सेमिनारों में, सीरियस लोगों की, बड़े लोगों की। एक बात प्याज गौर कीजिए, 10 अहकामात में, 10 अहकामात में से सिर्फ एक हुक्म ऐसा है जिसका अजर खुदावंद खुद देता है। जना करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, उसकी माफी नहीं है। चोरी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसी के घर का, पड़ोसी के घर का लालच करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसकी बीवी के लिए परेशानी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। और एक चीज का सिर्फ खुदा यहां पे रिवार्ड दे रहा है, खुदा यहां पे एक इनाम दे रहा है आपको, वो ये है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। इसका रिवार्ड का, इसी नाम का वादा खुदा ने अपने उन 10 अहकाम में ही कर दिया। वो खुदावंद की तरफ से, अब चोरी करते तो आपको लोग पकड़ेंगे, अदालतें पकड़ेंगी, काजी पकड़ेंगे, लेकिन अगर तो अपने मां बाप की इज्जत करेगा तो उसके लिए खुदावंद के पास तेरे लिए रिवार्ड है, तेरे लिए इनाम है, तेरे लिए प्राइज है जो सिर्फ तुझे खुदावंद देता है। वो इस सूरत में है कि वो तेरी उम्र को दराज करेगा। हम इस हुक्म को फिर एक बार बड़े ध्यान से गौर से पढ़ेंगे। तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और जब भी आपको मौका मिलेगी आप जरूर पढ़िएगा खुरूज 20 बाब उसकी पहली आयत से लेकर आखिर तक जाए। अब जब भी कलाम पढ़ते हैं आपको बरकतें मिलती हैं, आपकी जिंदगी से गैर हैजानी कैफियत खत्म होती है, आपकी जिंदगी से परेशानी खत्म होती है, आपकी बीमारी खत्म होती है, आपका जहन चंगाई, अच्छाई और गुडनेस की तरफ जाता है, आपकी सेहत गुड होती है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। जब आप खुदा का कलाम और खुदा से नजदीक होते हैं, इसी तरह हम देखेंगे कि खुदा ने कितनी बड़ी हमें एक और इसी पुराने अहदनामा की इस्तिशना की किताब में से 5 बाब और उसकी 4 आयत में हमें खुदा ने किस तरह फिर
अपने वादों को, अपने कौल को दोहराया है। इस्तिशना पाक बाब उसकी चार ऐसे 21 आयत तक हम देखेंगे कि खुदा उनका पाकलाम हमें क्या कहता है। खुदा ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की, उस पहाड़ के दरमियान बीच में रूबरू बातें की। उस वक्त मैं तुम्हारे और खुदावंद के दरमियान खड़ा हुआ ताकि खुदावंद का कलाम तुम पर जाहिर करूं, क्योंकि तुम आग के सबब से डरे हुए थे और पहाड़ पर ना चढ़े। तब उसने कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। तू अब देखिए वही बात फिर अब खुदा दोहरा रहा है जो पहले खुरूज में कह चुका है, वही दास है काम फिर हमें इस्तिशना की किताब में क्या कह रहे हैं। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्म को मानते हैं रहम करता हूं। तू खुदा अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदा उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। तो खुदा अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना, 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी ना तेरा बैल ना तेरा गधा ना तेरा और कोई जानवर ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करे। और याद कर और याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था और वहां से खुदा तेरा खुदा अपने जोर और हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदा तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना जैसा खुदा तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया, जैसा तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदा तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का खवाहा होना। मेरे अजीजों, आप देखें कि शरीयत की तौरात की बड़ी दोनों किताबों में 10 अहकाम को 2 बार आसमान से रूहुल कुद्दस के वसीला से हमें यह बात सिखाई गई, और 10 अहकाम में यही कहा गया है, इनमें जो सबसे बड़ा हुक्म है वो यही है कि तो अपने मां बाप की इज्जत करना, और खुदा का जो वादा है कि वो तेरी उम्र को दराज करेगा। जो लोग अपने मां बाप की इज्जत करते हैं, कोई भी दुनिया एक लम्हा दुनिया की कोई साइंस, दुनिया की कोई खुराक,
दुनिया का कोई नजरिया, दुनिया की कोई फिकर, दुनिया की कोई मेडिसन एक लम्हा भी नहीं बढ़ा सकती जिंदगी को, उम्र की दराजी नहीं हो सकती। लेकिन खुदावन ये हर इंसान को, हर उस बशर को ये इनाम देना चाहता है, रिवार्ड देना चाहता है जो अपने मां बाप की इज्जत करेगा। इसी तरह हम देखें और अगर जाए थोड़ा सा पैदाइश की किताब में, तो इब्राहिम का बेटा इसहाक अपने बाप की किस तरह फरमा बरदारी करता है और किस तरह उसके हुक्म को मानता है। और अगर हम उसने कोई सवाल नहीं किया आपसे अपने बाप से, तो मुझे कहां लेके जा रहा है। इसी तरह जब यस्व मसीह इस बात को जाना, जब उसे हुक्म हुआ कि दुनिया को कौन बचाएगा, उसके गुनाह से कौन छुटकारा देगा, तो यस्व मसीह ही थे जिन्होंने हंस कर उस सलीब को चुमा। वही उसने अपने बाप से कोई आर्गुमेंट नहीं किया, उसके हुक्म को माना। तो मेरे अजीजों, हमें अपने वालदैन की, जो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके मां बाप जिंदा हैं, वो बच्चे जो अपने मां बाप की हुक्म अदूली कर रहे हैं इस माशरे की, इस एक लोगों की भीड़ में, इस जंगल में, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप अपनी उम्र की दराजी चाहते हैं तो अपने मां बाप की इज्जत करें, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है और ये वाहद हुक्म है जिसका सिला, जिसका रिवार्ड, जिसका इनाम आपको आपकी उम्र की दराजी में मिलता है। कोई चीज दुनिया की आपका एक सांस भी नहीं बढ़ा सकती, लेकिन खुदावंद आपसे ये वादा कर रहा है और उसके वादे पे आपको यकीन करना होगा। मेरे अजीजों, आपके पास जब भी टाइम मिले, आप दुनिया में जहां भी हैं, और अपने मां बाप की इज्जत कीजिए ताकि आपकी उम्र दराज हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले और बरकत मिले और आपको बरकत पे बरकत मिलती जाए। इसराइल की सलामती हो, आप सब की सलामती हो। और खुदावंद में आज जो कुछ हमने सीखा है, इसको समझा है, ये हमारी जिंदगियों में एक तब्दीली लाए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।